नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास प्लस वन जो है चैप्टर एट करने वाले हैं। और चैप्टर एट में हमारा जो है यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक हो चुका है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में जो है डिस्कस हम यहाँ पे जो कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो है सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन एंडो मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियस के बारे में और क्रोमोसोम्स के बारे में जो यहाँ पे फर्दर ये टॉपिक आपके डिस्कस होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे ये चीजें बात करेंगे। एंड अगर आपने जो है वो मेरी बायोलॉजी एमसीक्यूज की जो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जो जरूर देखिएगा। शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, और कम से कम जो 3 to 4 questions जो नीट में वहां से आए हुए थे। हो सकता है कि आपके पास भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए उसमें से। तो शुभम जी के ट्रिक पर जाओ, यूट्यूब चैनल पर जाओ, बायोलॉजी की एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर जाओ आप देखिएगा, ठीक है। एंड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फ्लूड मोजेक मॉडल, फ्लूड मोजेक मॉडल किसके द्वारा जो दिया गया था, डिस्कवरर कौन था उसका फ्लूड मोजेक मॉडल का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये बताना है आपको फ्लूड मोजेक मॉडल में ही कि यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन्स की बात हुई थी, दो तरह के प्रोटीन्स की बात हुई थी, कौन कौन से प्रोटीन्स वो थे यहाँ पे, तो इसको आपने बताना है। एंड तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बताना है कि फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होता है, ये आपको ध्यान देना है। एंड क्वेश्चन चौथा है यहाँ पे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जो है इसका आंसर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, कम से कम जो 450+ वहाँ पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं और वहाँ पे जो उनको हर एक डेली अपडेट जो मिलती है, हर एक नोटिफिकेशन मिलती है, हर एक पीडीएफ मिलती है, क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ टेलीग्राम का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को भी जो सब्सक्राइब कीजिएगा और शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को भी जो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जो कुछ बायोलॉजी के लेक्चर्स, कुछ आपको जो है वो वहाँ पे इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स वहाँ पे जो सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसको जो है पढ़ने के लिए जो ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है हमारा यहाँ पे चैप्टर होने वाला है, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे अच्छे से बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसके बारे में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखिए, हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो यहाँ पे बात की थी पहले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता ही है कि प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है, बैक्टीरियल सेल में भी होती है। तो उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को, ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को, और किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को जाओ ट्रांसपोर्ट करती है। अब यहाँ पे दो वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, एक आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट आ रहा है, एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर हो रहा है मेम्ब्रेन के अंदर विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो ये आपकी जो कैसी है? वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी के जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का अंदर भाग, तो आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो जनरली आपको याद रखना है कि यहाँ पे परमेज एंजाइम लगता है, ठीक है, और कुछ आपके जो प्रोटीन्स के थ्रू यहाँ पे जो डिफ्यूजन देखने को मिलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखने को मिलता है। उसी तरह से वाटर जो ओस्मोसिस के थ्रू जो आपका अक्रॉस मूवमेंट जो करता है, ठीक है। और याद रखेंगे कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो मूव करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन करके, ठीक है, इसको याद रखना है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसी ना किसी प्रोटीन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह की जरूरत होती है। वाटर आपका ओस्मोसिस के थ्रू जाओ मेम्ब्रेन के अंदर जाओ, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल सोल्यूट जो आपके जाओ डिफ्यूजन के थ्रू, जो आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। अब देखिए वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, उसको क्या बोलेंगे आप, ओस्मोसिस बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स जो आपके विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो क्या होंगे आपके, वो पैसिव जाओ ट्रांसपोर्ट जाओ होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब दूसरा देखिएगा यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें मॉलिक्यूल्स का जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये जो ट्रांसपोर्ट होगा आपका वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है, इसको आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे एटीपी का जो है यूटिलाइजेशन होता है, किसका, एटीपी का जो यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव पंप आपका जाओ यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाओ करता है, इसको अब ध्यान देना है आपने, क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाओ आपका करता है। तो यहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है उसका, कि मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है, और पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जो मॉलिक्यूल्स को जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कौन सी है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली प्रोसेस कौन सी, वो पैसिव जो है वो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। वाटर को मूवमेंट कराना हो तो वो डिफ्यूजन लगती है वहां पे, उसको क्या बोलेंगे आप, ओस्मोसिस। न्यूट्रल सॉल्यूट्स को आप जो मूवमेंट कराते हैं तो वहां पे भी सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस लगती है, ठीक है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडिएंट, और फैसिलिटेट डिफ्यूजन के यहाँ पे जो स्पेशल एंजाइम्स और स्पेशल प्रोटीन्स यहाँ पे जो लगते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल वॉल के बारे में आप जो यहाँ पे हम बात करेंगे, आपने सुना होगा सेल वॉल के बारे में। तो देखिए मोनेरन्स के केस में जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलर होती है, ठीक है, नॉन सेलुलर, जो कि आपका जनरली पेप्टिडोग्लाइकन की जो बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की नॉन सेलुलर होती है। प्रोटिस्ट में आपको याद रखना है वहां पे सेलुलर सेल वॉल देखने को मिलती है, उसी तरह से फंगाई में सेल वॉल आपको देखने को मिलती है, वहां पे सेलुलोज नहीं होता, वहां पे क्या होता है, काइटिन होता है, क्या होता है, काइटिन होता है। अब देखो यूग्लेना प्रोटिस्टा में आता है, तो यूग्लेना की जो लेयर है वो पेलिकल की जो लेयर बनी होती है, और याद रखेंगे प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, और वो सेल वॉल किस चीज की है आपकी, वो सेलुलोज की जो बनी हुई है, और एनिमलिया में, एनिमल्स में आपको याद रखना है कि यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट है, तो यहाँ पे याद रखना है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेल वॉल अब्सेंट देखने को मिलती है। तो यहां से आपको जो क्वेश्चन बन सकता है, अगर पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में किस चीज की सेल वॉल बनी हुई है, तो याद रखना है वहां पे पेप्टिडोग्लाइकन की भी है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन की भी है, इसको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, यहां याद रखेंगे कि सेल वॉल असल में आउटर कवरिंग है, ठीक है, एक तरह से नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है ये, रिजिड स्ट्रक्चर है ये, और ये आपको याद रखना है ये आउटर कवरिंग है, क्या है ये, आउटर कवरिंग है, जो कि एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाओ फंजाई और आपके प्लांट्स में कवर अप करती है, इसको याद रखना है। तो सेल वॉल शेप भी देती है, सेल वॉल जो शेप भी देती है, ठीक है, सेल को, और प्रोटेक्ट भी करती है जो सेल को, किसी मैकेनिकल डैमेज से जो सेल को जो प्रोटेक्ट कौन करता है, वो सेल वॉल ही जो करता है, और इन्फेक्शन से भी जो बचाती है सेल वॉल, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो सेल टू सेल के अंदर इंट्रैक्शन, सेल टू सेल के अंदर इंट्रैक्शन भी जो सेल वॉल के थ्रू ही जो होती है, और ये भी याद रखो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बैरियर भी जो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका सेल वॉल ही होती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में जो पूछा गया था, एल्गी, एल्गी में जो है सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की जो बनी होती है, आपको गैलेक्टन्स याद रखने हैं, या उससे बनी होती है, मैनन्स से बनी होती है, और आपका जो मिनरल्स वहां पे कुछ होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो देखो एल्गी सेलुलोज की बनी हुई है, गैलेक्टन्स की बनी हुई है, मैनन्स की बनी हुई है,
और यहाँ पे कुछ मिनरल्स की जो बनी हुई है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी हुई है, रेड एल्गी रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी फायोफाइसी, यहाँ पे सब की जो आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स मिनरल्स की जो यहाँ पे बनी हुई होती है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो याद रखना है वहां पे सेलुलोज की भी जो सेल वॉल बनी होती है। अब देखो हेमी सेलुलोज भी होता है कई जगह पे, और यहाँ पे देखेंगे पेक्टिन भी है और आपका प्रोटीन्स भी है, ये आपकी जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है। अब मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज, जो पैरेन्काइमा टिश्यूज है, वो सेलुलोज के हैं। किस चीज हैं? सेलुलोज के हैं। उसी तरह से जो कोलेनकाइमा जो टिश्यूज हैं वो आपके सेलुलोज के भी हैं, हेमी सेलुलोज के भी हैं और आपके पेक्टिन के भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखो जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, वो जनरली आपको देखने को मिलते हैं लिग्निन वगैरह, वहां पे लिग्निफाइड जो वॉल्स वहां पे देखने को मिलती है। तो इसको आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्लांट सेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सेलुलोज हेमी सेलुलोज पेक्टिन जो आपके प्रोटीन वगैरह प्लांट सेल के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वेर एज एल्गी के अंदर सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनन्स मिनरल्स वहां पे देखने को मिलते हैं। इसको आपने अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की, वो जनरली आपकी किसके लिए कैपेबल होती है? ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, ठीक है। तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, जो ग्रोथ के लिए कैपेबल है वो आपकी प्राइमरी वॉल यहां पे होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल में आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी वॉल है, जो इनर साइड आपके जो सेल के अंदर बनेगी वो आपकी सेकेंडरी वॉल होगी, यानी कि सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल बनेगी, प्राइमरी वॉल के अंदर प्राइमरी वॉल वाली बाहर, सेकेंडरी वॉल अंदर, यानी कि जो मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और को जो आपकी जो वॉल बनेगी वो आपकी कौन सी होगी? वो सेकेंडरी वॉल होगी, ठीक है। टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, इसको याद रखना है। तो ये आपकी जो सेल वॉल के बारे में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिडल लैमिला के बारे में बता देता हूँ आपको, मिडल लैमिला के बारे में। तो यहाँ पे ये जो लेयर है वो कैल्शियम पैक्टेट की है। किसकी है ये? कैल्शियम पैक्टेट की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा कि ये जो लेयर है वो किस चीज की बनी हुई है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है। और ये किसको होल्ड करती है? ग्लूज को होल्ड करती है, ताकि वो नेबरिंग सेल्स के साथ जाओ अपना संपर्क जो इंट्रैक्शन जो बना सके, ठीक है। इसको याद रखना है, जो सेल वॉल होती है और मिडल लैमिला होता है, ठीक है, वो आपका ट्रांसवर्स होते हैं और वो प्लाज्मो डेस्मेटा बनाते हैं, ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मो डेस्मेटा, ये जो आपका बनता है यहाँ पे, इसमें इतना याद रखो, ठीक है। और ये प्लाज्मो डेस्मेटा जाओ साइटोप्लाज्म के जाओ साथ जाओ, विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, ये साइटोप्लाज्म के साथ जाओ कनेक्शन जाओ करता है। सिंपल इतना मिडल लैमेला आपका कैल्शियम पैक्टेट का है बना हुआ, तो जो कि नेबरिंग सेल्स के साथ जाओ इंट्रैक्शन करता है, और मिडल लैमेला और सेल वॉल मिला के यहाँ पे प्लाज्मा डेस्मेटा बना रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्स किया जा रहा है उसके द्वारा, और यहाँ पे वो कनेक्शन दे रहा है आपको अदर सेल के साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। इसको आपने ध्यान देना है, सेल वॉल के बारे में आपको यहां से इतने क्वेश्चन जो बनते हैं। अब मैं यहां पे जो थोड़ा सा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर आता हूं, ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज है जिनके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस उसके जाओ एक दूसरे से जाओ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनलीज जिनके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे वो आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के तहत आएंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है, तीसरा आपका जो है वो लाइजोजोम, चौथा आपका वैक्यूल्स। तो ये आपके जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के तहत आता है, किसके तहत आता है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के तहत। इनके जो फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट जाओ करते हैं, वेयर एज नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, जिनके स्ट्रक्चर फंक्शंस अलग होते हैं, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, वो सारे के सारे नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है, ठीक है, और आपके जो क्लोरोप्लास्ट या आपका
नॉन प्लास्टिड्स वगैरह या आपके नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे आपका पेरोक्सिसोम्स हो गए, ये आपके जाओ नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आते हैं, इसको याद रखना है, क्योंकि ये इनके जो आपके कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते, इसको आपको याद रखना है, ये सारे के सारे नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के तहत आते हैं, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे आपके जाओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा इस लेक्चर के ऊपर पूरे, नीट के लिए भी, एचपी टेट के लिए भी, एचपी टीजीटी के लिए भी और एचपी पीजीटी के लिए भी, ये आपको जो है लेक्चर्स जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को जाओ स्किप मत करना, बायोलॉजी एमसीक्यूज की जाओ प्लेलिस्ट आपको जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उसका, वहां पर मिल जाएगी, तो आप उसको जो है देखिएगा अच्छे से, वहां से सॉल्व कीजिएगा एमसीक्यूज, काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहां पे याद रखना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिंग जो है यूकेरियोटिक बॉडी है, जनरली आपको यूकेरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलती है। तो यहां पे एक रिवील किया गया प्रेजेंस, यानी कि नेटवर्क जरिए रिवील किया गया है कि यहाँ पे जाओ रेटिकुलम का जाओ एक नेटवर्क बना हुआ है, कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे स्केटर्ड आपको देखने को मिल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। ये मान लो ये सेल है, तो इसके अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म, क्या आपका साइटोप्लाज्म, इसके अंदर आपको जो इस तरह के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंट्रा सेलुलरी जो डिवाइड करता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंट्रा सेलुलर जो आपका डिवाइड करता है दो कंपार्टमेंट्स में, एक है आपका ल्यूमिनल और एक है आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। ल्यूमिनल का मतलब यानी कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल का मतलब क्या यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर डिवाइड कर रहा है तो वो इनसाइड आपका ल्यूमिनल होगा, ठीक है, दो कंपार्टमेंट्स थे। और आपका देखो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जाओ डिवाइड करेगा तो आपका जाओ वो आपका साइटोप्लाज्म होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मान लो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर किसी किसी जगह पे आपको जाओ इस तरह से जाओ छोटे छोटे जाओ डॉट्स देखने को मिलते हैं, तो यानी कि ये क्या है आपके राइबोसोम्स हैं। तो जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होंगे तो वो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, इसको याद रखना है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और जहां पे राइबोसोम जो अटैच नहीं होंगे वो आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, कौन से होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आप सिंपल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी राइबोसोम्स है, क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं, और ये राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री कौन से राइबोसोम है, तो ये क्या करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स, वो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होगी। उसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको यहाँ पे जो कोई भी जो राइबोसोम नहीं देखने को मिलता, राइबोसोम यहाँ पे अब्सेंट है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की बजाय जो यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होगा, क्या होगा यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस जो यहाँ पे देखने को मिलती है। उसी तरह से आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जाओ जितने भी स्टीरॉयड्स होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टीरॉयड्स जो आपके सिंथेसाइज जो आपके होते हैं, इसको आपने याद रखना है, इसको आपको जो आपने याद रखना है। यहां से आपको जाओ कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स किसके पास है, वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, और प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जो हार्मोन्स किसके पास है यानी कि राइबोसोम्स किसके पास है, वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और यहां पर जाओ आपको वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, तो वेसिकल्स के ऊपर जाओ आपके राइबोसोम्स होते हैं,
ट्यूब्यूल्स के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब देखिए स्टेरॉयडल हार्मोन्स में कौन कौन से जाओ आएंगे, आपके जैसे एस्ट्रोजन आ जाता है, ठीक है, जो गोनाडल हार्मोन्स है, आपके टेस्टोस्टेरोन आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद आपको याद रखना है कोर्टिसोल आ जाता है यहाँ पे, ये सब आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। ये किसकी जो सिक्रीशन से होते हैं, वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिक्रीशन से जो होते हैं, इसको आपने याद रखना। यहां से आपको क्वेश्चन जो है बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए सारे के सारे, आपको जाओ लेबोरेटरी असिस्टेंट में भी आपको देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं, तो आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एंड आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दूसरी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में, आपको देखने को मिलता है गॉल्जी एपरेटस, किसके बारे में, गॉल्जी एपरेटस के बारे में, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक खोलेगा उसमें गॉल्जी एपरेटस जो देखेगा, तो डिस्कवरी जाओ कैमिलो गॉल्जी ने इसकी की थी, कैमिलो गॉल्जी ने 1898 के आसपास इसकी जो डिस्कवरी जाओ की थी। तो इसको जाओ कुछ, इसको जाओ न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियस के पास कुछ रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे जो कि डेंसली स्टेन्ड थे, तो उसको जो इन्होंने जो नाम क्या दिया था, गॉल्जी बॉडी जो इन्होंने नाम दिया था, क्या दिया था, गॉल्जी बॉडी जो इसने नाम दिया गया था, ठीक है। फ्लैट शेप होती है, ठीक है, और डिस्क शेप्ड आपके ये सारे के सारे होते हैं, सेक्स होते हैं, और यहाँ पे सिस्टर्नी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। तो सिस्टर्नी आपके जो है प्रेजेंट रहते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जो है नियर बाय न्यूक्लियस देखने को मिलता है, आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और सिस्टर्नी आपको यहाँ पे देखो सिस फेज यानी कि कॉन्वेक्स जो फेज होता है जो इसका, जो कि फॉर्मिंग करता है गॉल्जी ऑपरेटिस की फेस को, और देखो यहाँ पे कॉनकेव फेज होता है आपका ट्रांस फेज, जो कि एक तरह से मैच्योरिंग फेज होता है, जो मैच्योरेशन के लिए काम करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिस और ट्रांस फेज आपको याद रखना है गॉल्जी ऑपरेटिस में, इसको आपने याद रखना है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं एक तरह से। तो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको याद रखना, सिस्टम नहीं वहां पे प्रेजेंट है, कॉन्वेक्स फेज आपको सिस को बोलेंगे जो कि फॉर्मिंग फेज है, और कॉनकेव जो फेज है आपका वो ट्रांस को बोलेंगे जो कि आपका मैच्योरिंग फेज होता है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए गॉल्जी एपरेटस परफॉर्म करता है फंक्शंस को, गॉल्जी एपरेटस जब परफॉर्म करता है फंक्शंस को, जैसे कि पैकेजिंग करना है मटेरियल को, तो देखो यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल हो रहा है, क्या हो रहा है, पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सिंपल सी बात है, जो पैकेजिंग मटेरियल है आपका वो वेसिकल्स के फॉर्म में है, वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो फ्यूज हो रहा है, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है सारे के सारे जो चार पांच जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर जो फंक्शन का जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो मटेरियल जो पैकेज हो चुका है वेसिकल्स के फॉर्मेट में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो फ्यूज किसके साथ हो रहा है, आपका सिस फेज के साथ जो आपका गॉल्जी एपरेटस के जो फ्यूज हो रहा है और उसके जो मैच्योरिंग फेज में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो मटेरियल जो पैकेज हो रहे हैं वेसिकल्स के फॉर्मेट में, ठीक है, और ये फ्यूज किसके साथ हो रहे हैं, वो आपका सिस फेस के साथ हो रहे हैं, यानी कि आपका जो फेसिंग जो फेज होता है, जो आपका फॉर्मिंग फेस होता है उसके साथ जो फ्यूज हो रहे हैं, एंड देन किसके साथ जो जाएंगे मिलेंगे मैच्योरिंग फेज में जाएंगे, यानी कि ये आपका कौन सा फेज हो गया, गॉल्जी एपरेटस का फेज हो गया, ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो कि गॉल्जी एपरेटस जो रिमेन्स जो आपके कनेक्टेड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, इसको याद रखना है। आप सिंपल सी बात याद रखेंगे कि गॉल्जी एपरेटस जो है वो मेन साइट रहती है, इंपॉर्टेंट साइट है किसके लिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो सिंथेसिस के लिए, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस के लिए। तो गॉल्जी एपरेटस जाओ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस के लिए जाओ मेन जाओ साइट जो देखने को मिलती है, ठीक है, इसको आपने याद रखना गॉल्जी एपरेटस के बारे में। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स के साथ जो कनेक्शन किसका है, साइट कौन सी है, वो गॉल्जी एपरेटस है, जहां पे पैकेजिंग होगा मटेरियल का वो कहां होगा, कौन सी जगह होगी, वो गॉल्जी एपरेटस से जो देखने को मिलती है, इसको आपने याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूं, लाइजोजोम्स के ऊपर आता हूं। तो आपने सुना होगा इसके बारे में,
सुसाइडल बैग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स इसको बोलते हैं। तो सिंपल सी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। जब आपका गोल्जी अपरेटस के अंदर जाओ पैकेजिंग होगी तो उस समय ये आपके जो सुसाइडल बैग्स जो है लाइसोसोम्स बनते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो इन मेम्ब्रेन बाउंड जो लाइसोसोमल वेसिकल्स हैं इनके पास जाओ कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एसिडिक होते हैं। ये इनका पीजी पीएच कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। तो ये जनरली कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और उसी तरह से लिपिड्स को और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स जितने भी होते हैं उनको जो है डाइजेशन में करने में हेल्प करते हैं बाय देयर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पे याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को जाओ डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस को डाइजेस्टिव करेगा, ठीक है, लाइपेजेस आपका जाए लाइपेज को जाए डाइजेस्टिव करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या लाइसोसोम्स के पास प्रेजेंट रहते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और एक और याद रखना है, ये आपका किल करता है पॉइजनस जो मटेरियल को, ये आपका पॉइजनस मटेरियल को भी जो किल जो करता है, ये आपको याद रखना है। और सी डी डुवे द्वारा इसकी जो डिस्कवरी जो की गई है 1955 में, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। एक होते हैं फैगोसोम्स, फैगोसोम्स में आपको याद रखना है ये फैगोसिटिक होते हैं, ये सेल को एनगल्फ करते हैं, ठीक है, सेल को एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लाइसोसोम सारी जगह प्रेजेंट होते हैं आरबीसी एनिमल सेल के अंदर, लेकिन वो आरबीसी में जाओ अब्सेंट देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट अब्सेंट इन आरबीसी, इसको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आज से क्वेश्चन जो बन जाता है। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, अब बात करेंगे हम थोड़ा सा वैक्यूल्स के बारे में, फूड स्टोरेज भी होते हैं कहीं वैक्यूल्स, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है ये, क्या है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है आपका ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्लांट सेल होता है वहां पे फूड वैक्यूल जो काफी बड़ा होता है, जनरली आपका जो वाटर, ठीक है, सैप और एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है और जो अदर मटेरियल्स होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं सेल के लिए वो यहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आपको एक टोनोप्लास्ट देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, टोनोप्लास्ट देखने को मिलता है, सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है ये वैक्यूल के अंदर। तो टोनोप्लास्ट कहाँ पे आपका, सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग है आपका वैक्यूल्स के अंदर। ये आपका एचपी टेट में क्वेश्चन आया था टोनोप्लास्ट यहाँ पे कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना टोनोप्लास्ट आपका जो सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग है वैक्यूल के बाहर, वैक्यूल में, ठीक है। आप देखो प्लांट सेल के अंदर 90% जो वॉल्यूम है वो आपकी कौन घेरता है, वो आपका वैक्यूल ही जो घेरता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो टोनोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करता है नंबर ऑफ आयंस को, ठीक है, और अदर जो आयनिक मटेरियल होता है उनको, ठीक है। और याद रखेंगे कि जनरली जैसे अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करता है उसके, ठीक है। और उसी तरह से देखो प्रोटिस्ट होते हैं वहां पे फूड वैक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि एनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पर है, अमीबा के अंदर है, टोनोप्लास्ट कहाँ पर है, वैक्यूल के अंदर है, वैक्यूल में है, और देखो फूड वैक्यूल कहाँ पर है आपका, प्रोटिस्ट के अंदर है। उसी तरह से फूड वैक्यूल आपका जो प्लांट सेल भी में भी देखने को मिलता है, वहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स देखने को आपको मिलते हैं। तो इसमें याद रखना है वैक्यूल्स के बारे में इतना। तो ये थी आपकी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम्स। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम जो है नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम जो है अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी सिंथेसिस के लिए जाना जाता है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं।
होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का जो है सिंथेसिस देखने को मिलता है। एटीपी में एलिमेंट होता है आपका फॉस्फोरस, ये भी आपको याद रखना है, फॉस्फोरस एलिमेंट होता है। देखिए एटीपी के अंदर फॉस्फोरस होता है, क्या होता है फॉस्फोरस, याद रखना है। अब देखिए जो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको याद रखना है सोडियम और आपका जो पोटेशियम आपका वहां पर रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसी तरह से क्लोरोफिल के अंदर जो कौन सा एलिमेंट होता है, वहां पे मैग्नीशियम होता है, ठीक है याद रखना है। और जो फ्रेमवर्क वाले मटेरियल होते हैं जो सेल को बनाते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होते ही है, ये आपके चारों फ्रेमवर्क एलिमेंट्स है। यहां से आपको 100% जो क्वेश्चन आता है, इसको जो नोट कर सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी सिंथेसिस करता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉस्फोरस जो एटीपी में होता है, आप सिंपल सी बात याद रखनी है कि यहां पे दो मेम्ब्रेन्स है, एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन है जो कि कवर करती है इनर मेम्ब्रेन को, इनर मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलता है कि फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, क्या बोलते देखने को मिलती है, फोल्डिंग्स देखने को मिलती है, और वो फोल्डिंग्स का नाम क्या होता है, क्रिस्टा बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो सरफेस होता है, इनर सरफेस होता है, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस होता है, उसको जो इंक्रीज करती है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे तो आपको देखने को मिलता है ये आपकी आउटर लेयर है, और उसके अंदर जो आपको इनर लेयर देखने को मिलती है। अब इनर लेयर में आपको जो अंदर ही अंदर जो इस तरह से फोल्डिंग्स देखने को मिलेगी, इस तरह से क्या देखने को मिलेगी, फोल्डिंग्स देखने को मिलेगी। इन फोल्डिंग्स को आप क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे। और देखो जो फ्लूड सब्सटेंस होगा इसके अंदर क्या बोलेंगे उसको, मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स जो बोलते हैं। इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो आपको फ्लूड लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जो कि क्या है आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सरफेस एरिया कौन बढ़ा रहा है, आपका क्रिस्टी बढ़ा रहा है। तो देखो दो मेम्ब्रेन्स यहाँ पे प्रेजेंट थी जिसके पास जो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करती है, उसको परफॉर्म करती है। यहां पे देखो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव जो कार्बोक्सिलेशन भी होती है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। जब आप समरी पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन के बारे में, ठीक है, तो सॉरी फॉस्फोराइलेशन के बारे में, फॉस्फोराइलेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे तो एटीपी बन रहा है तो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और एटीपी के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की टेक्निक और एटीपी सिंथेसिस की टेक्निक। जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे तो वो तो आपके जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, ठीक है, और अब जब आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ोगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, और आपका जब क्रैब्स साइकिल पढ़ोगे तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की हो रही है। तो याद रखना है क्रैब साइकिल भी यहां पे परफॉर्म हो रही है, क्रैब साइकिल भी आपकी जो परफॉर्म देखने को मिल रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखना है ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी जो आपकी साइट देखने को मिलती है, और ये आपका एटीपी फॉर्म कर रही है, इसको याद रखना है, तभी इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला गया है। अब यहां पे देखो जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूड है इसका, उसके पास कुछ सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, क्या हैं, सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल यहां पे हैं, और यहां पे कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। राइबोसोम्स यहां पे 70S राइबोसोम्स हैं, तो इसके बारे में 70S राइबोसोम्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। और यहाँ पे राइबोसोम्स का काम क्या है कि वो सिंथेसिस करेगा, वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिशन से, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिशन से, तो इसको आपने याद रखना है, यहां से आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, इसको आपने जो अच्छे से ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूं कि जैसे यीस्ट होता है तो वहां पे यीस्ट में स्फेरिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, उसी तरह से जो क्लोरेला होता है वहां पे आपको जाओ ट्यूबुलर और आपको ब्रांच्ड जाओ आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, इसको आपने जहां से अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब आपकी यहां पे आती है प्लास्टिड्स के बारे में बात, आपने क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो प्लास्टिड्स के ही आपके देखने को मिलते हैं। जनरली आपको यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, और यूग्रेनॉइड्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो आपका जनरली प्लास्टिड्स की देन होती है।
क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है वो वहां पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये प्लास्टिड्स है वो इजिली ऑब्जर्वेबल हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, और स्पेसिफिक पिगमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कलर्स देखते हैं प्लांट्स को। तो यहाँ पे याद रखेंगे तीन तरह के स्पेसिफिक पिगमेंट है, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा आपको याद रखना है ल्यूकोप्लास्ट। कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट है। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, और जहां पे क्लोरोफिल होगा वो आपका ग्रीन पार्ट होगा। क्या होगा? ग्रीन पार्ट होगा, ग्रीन कलर जो है देखते देता है, और ये लाइट एनर्जी के जो इसेंशियल जो लाइट एनर्जी को ट्रैप क्रैप करने के लिए जो इसेंशियल होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसेंशियल देखने को मिलता है। आप देखिए क्रोमोप्लास्ट जो कलर जो आपका देता है येलो रेड कलर देता है प्लांट्स को, तो याद रखना है वो क्रोमोप्लास्ट है। कौन सा है वो? क्रोमोप्लास्ट है। यहाँ पे आपको कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड जो पिगमेंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जनरली कैरोटीन ग्जैंथोफिल्स आपको यहां पे ये देखने को यहां पे मिलेंगे, ग्जैंथोफिल्स यहां पे देखने को मिलता है, कैरोटीन और ग्जैंथोफिल्स यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको येलो ऑरेंज जो कलर ये आपको प्लांट को देते हैं, या रेड कलर जो प्लांट को देते देते हैं, यहां पे आपको याद रखना है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस प्लास्टिड है, ये क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। यहां पे आपको याद रखना है ये स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, जनरली आपको याद रखना है एल्यूरोप्लास्ट, क्या किसके बारे में याद रखना है? एल्यूरोप्लास्ट। एक आपको अमाइलोप्लास्ट के बारे में याद रखना है, और एक आपको इलायोप्लास्ट के बारे में याद रखना है। यहां से तीनों में से क्वेश्चन आता है, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स को। अब देखो इलायोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल्स एंड फैट्स को जो स्टोर करता है, और देखिए जो आपका अमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है, जैसे कि पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अंदर स्टार्च को जो स्टोर करने वाला होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ल्यूकोप्लास्ट है, क्या है आपके? जो स्टोरेज के लिए जो यूज होते हैं। इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बनते हैं यहां से, 100% चांसेस रहते हैं इसमें से क्वेश्चन आने के। कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है? एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का काम क्या है? स्टोर करना प्रोटीन्स का। अमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? स्टार्च को स्टोर करना। और इलायोप्लास्ट का काम क्या है? ऑयल्स एंड फैट्स को जो है स्टोर करना। अब सिंपल सी बात है, हम थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में आते हैं। थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट में आपको जो एक तो देखने को मिलता है स्ट्रोमा, एक आपको याद रखना है थायलाकॉइड आपको देखने को मिलेगा, और एक आपको जो ग्रेना आपको देखने को मिलेगा। जब आप जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हो इस तरह से सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है, लेंस शेप्ड और ओवल शेप्ड, और यहाँ पे स्फेरिकल या डिस्कॉइडल शेप आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डिस्कॉइडल शेप या रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती है, तो वह क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जनरली आपको याद होना है क्लैमिडोमनास, वहां पे आपको जो मिजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। और देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जनरली आपको प्लांट सेल के अंदर, मिजोफिल सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे आपके ये थायलाकॉइड्स हैं, क्या है ये? थायलाकॉइड्स। ये कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? थायलाकॉइड्स है। और ये क्या बनेगा? पूरा का पूरा ग्रेना बनेगा। क्या बनेगा आपका? ग्रेना बनेगा। ये वन क्या है? वन इस तरह से जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिया हुआ, ये क्या है आपका? ओनली थायलाकॉइड है। क्या ये आपका? थायलाकॉइड है। अब देखो दो ग्राना आपके अटैच होंगे किससे? स्ट्रोमा से। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली से, इसको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसको आपने याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन है। यहाँ पे थायलाकॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपका साइट है प्रोटीन फोटोसिंथेसिस के लिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके थायलाकॉइड्स हैं। क्या है? थायलाकॉइड्स हैं। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है ना कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जब थायलाकॉइड्स बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बनता है? आपका ग्रेनम बनता है। क्या बनता है आपका? ग्रेनम बनता है, इसको याद रखना है। और देखो स्ट्रोमा लैमेली से जब हम स्ट्रोमा जो है वो ग्रेना को अटैच कर रहे हैं, इसको भी आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से जब क्वेश्चन आता है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ क्लोरोप्लास्ट की जो शेप्स, यहाँ से आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। जैसे कि आपका प्लेट लाइक जो शेप होती है वो यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलती है, किसमें? यूलोथ्रिक्स में। अब देखिए जो कप शेप्ड होती है,
जनरली आपको देखना है कि क्लैमिडोमोनास जो होता है वो आपका क्लब कप शेप्ड वाला जो होता होता है। अब याद रखिएगा रिबन लाइक जो शेप होती है, रिबन लाइक शेप होती है वो स्पायरोगायरा में होती है। किसमें होती है? स्पायरोगायरा में होती है। और ध्यान देंगे कि जो रेटिकुलेट शेप होती है वो आपकी ओइडोगोनियम में होती है। किसमें होती है? ओइडोगोनियम में। और याद रखेंगे जो पॉलीगोनल शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की वो आपको याद रखना है जिग्नेमा जिसको बोलते हैं जिग्नेमा उसमें होती है। और यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं स्टीलेट शेप, स्टीलेट शेप इसको आपने याद रखना है। तो ये आपकी जो प्लेट लाइक शेप, कप शेप, रिबन लाइक, रेटिकुलर, पॉलीगोनल, ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट की जो शेप्स हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे आपके आते हैं राइबोसोम्स के बारे में। किसके बारे में आते हैं? राइबोसोम्स के बारे में आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। तो राइबोसोम्स आपकी जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, क्या है आपका? ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो इसको जो जियोर्ज पैलेट ने जो खोज किया था, इसको जियोर्ज पैलेट ने खोज किया था, ठीक है। और आरएनए के जो राइबोन्यूक्लिक एसिड के जो बने होते हैं और प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे जल्दी जनरली होती है। और ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली बोल सकता हूँ इसको। ये भी किसी भी जो आपको देखने को नहीं मिलते, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी आपको ये प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक में है तो यहाँ पे 70S राइबोसोम्स होंगे और यूकैरियोटिक में यहाँ पे 80S जो राइबोसोम्स होंगे। इसका मतलब यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से है। तो देखो 70S राइबोसोम्स में 50S और 30S आपके राइबोसोम्स होंगे और 80S में 60S और 40S राइबोसोम्स जो आपके देखने को मिलते हैं। जनरली इस तरह से होते हैं, ठीक है, 30S 50S फिर आपका ये 40S फिर आपका ये बड़े वाला 60S, इस तरह से आपको अरेंज देखने को मिलता है। तो देखो 70S आपके राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में यानी कि मोनोरेंस में बैक्टीरिया वगैरह आर्की बैक्टीरिया वगैरह में, ठीक है, और 60X आपके जो सॉरी 80S आपके राइबोसोम्स आपके प्रोटिस्टा फंजाई एनिमलिया प्लांटी में देखने को आपको जो है मिलते हैं। इसको आपने ध्यान देना है अच्छे से, यहां से आपको जो क्वेश्चन यह बन जाता है, ठीक है। आप देखिए अगला देखते हैं साइटोस्केल्टन के बारे में। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है नीट वगैरह में देखने को मिले हैं, ठीक है, नीट वगैरह में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले तो इसको जस्ट स्किप मत कीजिएगा। तो ये आपका साइटोस्केल्टन जो होता है वो फिलामेंटस जो है वो नेटवर्क है, ठीक है, ये प्रोटीनेशियस जो स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, फिलामेंटस नेटवर्क बना हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या बोलेंगे उसको? साइटोस्केल्टन जो बोलते हैं। तो जनरली आपका मैकेनिकल स्पोर्ट करता है और मोटिलिटी को जो प्रोवाइड करता है और ये मेंटेनेंस करता है एक तरह से शेप की, मतलब मेंटेनेंस देता है शेप और ऑफ सेल को, इसको आपने याद रखना है। अब यहां पे देखो सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखो सीलिया और फ्लैजिला आपके जो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं। और ये देखो आपका मेम्ब्रेन के आसपास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां से अराइज होते देखने को मिलते हैं और ये सेल को मूवमेंट करवाने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास फ्लैजिला होते हैं लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला से जो काफी जो डिफरेंट देखने को मिलते हैं, इसको याद रखना है। अब देखिए सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स में आपको क्या देखने को मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो से वो कवर अप रहते हैं स्ट्रक्चर्स और वहां पे आपको एक्सोनीम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक्सोनीम। तो यहाँ पे आपको याद रखना सीलिया और फ्लैजिला का जो आपका ये पार्ट रहता है, जो कोर पोर्शन है उसका, वहां पे आपको एक्सोनीम देखने को मिलता है। और यहाँ पे 9 pairs जो डबलेट्स होते हैं वो रेडियली अरेंज्ड जो स्पेरिकल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं और 2 pairs आपके जो लोकेटेड हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेंटर में, लोकेटेड है माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेंटर में, इसको याद रखना। तो यहाँ पे 9+2 आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रही है सीलिया और फ्लैजिला के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। जब आप जाओ आप सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम देखोगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलता है, इस तरह से। तो यहां पे कुछ ना कुछ 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, इस तरह से,
इसको आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखो दो बीच में होंगे, नाइन इर्द गिर्द होंगे, इस तरह के नाइन इर्द गिर्द होंगे, ये मैंने कम ही बनाए हैं, तो दो इर्द गिर्द जो बीच सेंटर में होंगे, तो नाइन प्लस टू अरेंजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। जो नाइन है माइक्रोट्यूब्यूल्स वो रेडियली अरेंज है, और दो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके जो सेंट्रल में देखने को मिलते हैं, तो नाइन प्लस टू अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। तो याद रखें, सीलिया और फ्लैजिला आपके जो एमर्ज करते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, उसको क्या बोलेंगे हम, बेसल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, बेसल बॉडी बोलते हैं, इसको आपने याद रखना है। और सेंट्रियोल में अरेंजमेंट जो होती है, सेंट्रियोल में अरेंजमेंट काफी बार पूछी गई है, 9+0 अरेंजमेंट वहां पे होती है। फ्लैजिला और सीलिया में अरेंजमेंट है 9+2, और लेकिन सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम सेंट्रोसोम के बारे में, किसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। यूजुअली एक जाओ टू सेंट्रिकल स्ट्रक्चर जाओ आपके कंटेन होते हैं सेंट्रियोल के अंदर, और इसमें याद रखना है आपको सेंट्रियोल में आपको बीच में एक प्रोटीनेशियस जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे आप, हब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हब बोलेंगे। और ये हब आपका जो कनेक्टेड रहेगा ट्यूब्यूल से, पेरिफेरल ट्रिपलेट से, उसको क्या बोलेंगे आप, स्पोक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, स्पोक्स बोलेंगे। और ये स्पोक्स जो आपके प्रोटीन्स के जो बने हुए हैं, इसको याद रखना है। तो देखो सेंट्रोस जो आपके फॉर्म करते हैं बेसल बॉडी, जहां से आपका सीलिया और फ्लैजिला जो आपके अराइज होते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स जो आपके जो स्पिंडल एपरेटस होता है, वो स्पिंडल फाइबर्स जो वहां से अरेंज होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं एनिमल सेल की। तो वो सेंट्रोसोम का ही पार्ट रहते हैं और सेंट्रियोल का जो पार्ट रहते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स माइटोसिस और मियोसिस में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से जो आपके अराइज देखने को मिलते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको देखने को बताता हूँ न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस आपको पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने जो इसका जो खोज किया था, डिस्कवरी की थी। और याद रखो जब न्यूक्लियस को जो स्टेन किया गया था बेसिक डाई से, तो उसको क्या बोला गया था, क्रोमेटिन बोला गया था। क्या बोला गया था उसको, क्रोमेटिन जो बोला गया था बाय फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के द्वारा जिसको क्रोमेटिन जो बोला गया था। तो यहाँ पे याद रखना है इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में, ऐसा न्यूक्लियस जो आपका कभी भी डिवाइड नहीं करता, उसको क्या बोलेंगे आप, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इंटरफेस न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इंटरफेस न्यूक्लियस बोलेंगे। तो इंटरफेस न्यूक्लियस जो आपका हाईली एक्सटेंडेड था न्यूक्लियोप्रोटीन्स में, क्या बोला गया उसको, क्रोमेटिन बोला गया। क्रोमेटिन जो यहाँ पे उसको जो बोला गया। और देखो न्यूक्लियर मैट्रिक्स वहां पे है, और वहां पे कुछ स्फेरिकल बॉडीज आपको देखने को मिलती है बीच में न्यूक्लियस के बीच में, क्या क्या बोलते हैं उसको, वो न्यूक्लियलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियलाई या फिर न्यूक्लियस जो उसको बोलते हैं। वहां पे आपको बीच में एक स्पेस देखने को मिल रहा है, उस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जो कि बैरियर बना रहा है मेटीरियल प्रेजेंट इन साइड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, उसके बीच में बैरियर जो है बना रहा है। ठीक है, आप देखो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, उसके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे जो आसपास देखने को मिलता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी। न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इंटरप्ट करता किया जाता है माइन्यूट पोर्स के थ्रू, और वहाँ पे जब फ्यूजन होती है दो मेम्ब्रेन बनती है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है, इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे चलता है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि जो जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो आपके वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस लैक करता है। जैसे कि आपको याद रखना है जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं मैमल्स में, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वहां पे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसी तरह से जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वास्कुलर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, तो वहां पे भी आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है सेल, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मैट्रिक्स को क्या बोला गया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को बोला गया यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला गया, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसको जो बोला गया। और देखो यहाँ पे न्यूक्लियोलस है यहाँ पे, और क्रोमेटिन यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको याद रखना है। और एक तरह से याद रखना है न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपका एक एक्टिव साइट है, किसके लिए एक्टिव साइट है, किसके लिए, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। ठीक है, याद रखना है आरएनए सिंथेसिस के लिए कौन सी एक्टिव साइट आपकी, न्यूक्लियोप्लाज्म है। कौन सी है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको पता लग गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपको, क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जो कि आपका सेल डिवीजन करके जो देखने को मिलते हैं। अब देखो
न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमेटिन कंटेन्स जहाँ डीएनए होता है वहां पे, और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वहां पे, कुछ जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इसको याद रहना है। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स की जब हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जहां पे हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो बीच में है आपका ये, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तबले का स्ट्रक्चर है इसमें ये, तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है आपका ये क्या है, सेंट्रोमेर है। सेंट्रोमेर क्या है आपका, ये सेंट्रोमेर है, और ये आपके जो साइड में है ये काइनेटोकोर, क्या बोलते हैं किसको, काइनेटोकोर जो है उसको बोलते हैं, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रो क्रोमोसोम्स के जो अलग अलग टाइप है, क्या है, अलग अलग टाइप है, एक है मेटासेंट्रिक, एक है सब मेटासेंट्रिक, एक है एक्रोसेंट्रिक और एक है टीलोसेंट्रिक। सिंपल सी बात है, मेटासेंट्रिक में यानी कि आपका सेंटर में होगा सेंट्रोमेयर, ठीक है, जो आपका क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों सेम शेप के होंगे और बीच में जाओ सेंट्रोमेयर होगा। अब देखिए बीच थोड़ा सा जाओ सेंट्रोमेयर जाओ, एक आम जाओ उसकी छोटी है और एक आम की जो है बड़ी है, तो ये आपके सब मेटासेंट्रिक हो गए, क्या हो गए, सब मेटासेंट्रिक हो गए। अब देखिए एक्रोसेंट्रिक में होता क्या है कि जो सेंट्रोमेर है वो बिल्कुल जाओ आपकी एंड पर है, बिल्कुल एंड पर है, कि एक आम जाओ बहुत छोटी है, एक आम की जाओ आपकी बड़ी है, तो आपका जाओ एक्रोसेंट्रिक हो गया। देखो सेंट्रोमेर अगर टर्मिनल पोजिशन पे है इस तरह से, तो आपका जाओ टीलोसेंट्रिक जो आपकी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन जो आपको आता है 100% ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब देखिए लास्ट सैटेलाइट, तो ये देखो फ्यू क्रोमोसोम्स के बाद जाओ नॉन स्ट्रेनिंग जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है वो लोकेशन पे देखने को मिलती है, स्मॉल फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, सैटेलाइट बोलते हैं। उसके बाद देखिए माइक्रो बॉडीज आती है, तो देखो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स जो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज जो बोलते हैं, उसके पास क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो आपकी जो कुछ आपकी मेम्ब्रेन बाउंड नॉन माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइक्रो बॉडीज यहाँ पे जो बोलते हैं, इसको आपने ध्यान देना है अच्छे से। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस बनने थे, जो जो चीजें मैंने आपको करवानी थी अच्छे से मैंने आपको बता दी है, ध्यान दीजिएगा इन लेक्चर्स के ऊपर। और ये आज चैप्टर खत्म हो चुका है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके जो प्रीवियस जो लेक्चर्स है अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं टेलीग्राम पे जाओ लेक्चर्स दे दूंगा आपको, आप वहां से देखिएगा अच्छे से। और देखो फ्लैजिला में प्रोटीन होता है फ्लैजिलिन, और देखो ट्यूबुलिन प्रोटीन आपका जाओ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लूड मोज़ेक मॉडल आपको जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटेग्रल प्रोटीन्स देखने को मिलते थे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और इंटेग्रल और एक्सटर्नल प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे फ्लूड मोज़ेक के अंदर, इसको आपने याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, आपको बताइएगा कि मेरा लेक्चर कैसा लगा, गुड लगा तो गुड लिखेगा, एक्सीलेंट लगा तो एक्सीलेंट लिखेगा, ठीक है, नॉट गुड लिखा तो आप जो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, अगर कोई भी संपर्क करना हो आपने जो टेलीग्राम पे मुझसे कर सकते हैं, और ये मेरा नंबर है मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो संपर्क चाहे मुझसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।